हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। और मैं हूं आप राहुल कच्छावा, और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो लेक्चर में देखा था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर बनी थी, कि किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आ रही है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, और हम जानते हैं कि एडिशन रिएक्शंस क्या होती है। किसी भी चीज का ऐड होना, डबल या ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड बनेंगे तो कोई ना कोई अलग स्पीशीज आकर के ऐड होगी, वही क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले आके अटैच हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, अगर न्यूक्लियोफाइल पहले आकर के वहां पर अटैक कर रहा है और अटैच हो रहा है तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखो, न्यूक्लियोफाइल्स नाम में रखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि न्यूक्लियस को लव करने वाले। हमको पता है न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, नेगेटिव। और अगर नेगेटिव करेगा तो ये कैसी स्पीशीज हो गई है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कहलाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा कि अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है तो वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले रही है या उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाएगी। अनदर पॉइंट, वो कैसी कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज कहलाएगी। थर्ड वन, हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल के अंदर वो उसका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऑक्टेट नॉर्मल सी बात है कैसा होगा, कंप्लीट होगा। ऑक्टेट इनका कैसा होता है, कंप्लीट होता है। और जो फोर्थ पॉइंट इस न्यूक्लियोफाइल का आता है वो ये कि ये लुइस बेस होंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल के देखा था वो लुइस एसिड थे, ये कैसे होते हैं, लुइस बेस होंगे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये कहां अटैक करेंगे, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के ऊपर इन न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। यही क्या कहता है न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है ये, ऑक्टेट कैसा होगा इनका, कंप्लीट होगा, ठीक है। और अनदर वन इज लुइस बेस होगा। अब हम देखेंगे कि इनकी रिएक्शंस कैसे होती है। अब हमने एडिशन रिएक्शन हमने देख ली थी पहले, हमारे पुराने वीडियो लेक्चर के लिए देख लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। और इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में देखो, एडिशन वही कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि सी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक बनेगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड, तो यहां पर और यहां पर ये दो जगह खाली है, तो कोई भी स्पीशीज आती है और यहां आकर के एड होती है वो क्या कहलाएगी, एडिशन कहलाएगा। और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा, आएंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों आते हैं, अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक है, अगर न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले आ रहा है तो वो कैसी कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि क्यों इस रिएक्शन में, या जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, कि उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही पहले क्यों होना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिएक्शन किस किस के अंदर पॉसिबल होती है। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शंस में होगा, या उन रिएक्शन में क्या पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो, पहली चीज कि वो एक एल्काइन ग्रुप होना चाहिए, या वो कोई एल्काइन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो एक सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इनके अंदर भी कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक होगा। थर्ड इज वो कैसा ग्रुप होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड हो, जिसको हम जनरली कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप उस रिएक्शन के अंदर होना चाहिए। फोर्थ, अगर हम सी डबल बॉन्ड ओ की बात कर रहे हैं तो जनरल सी बात है एसिड भी इसी के अंदर ही आता है, तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि उसके अंदर आगे और भी कार्बन के साथ कोई भी स्पीशीज जुड़ सकती है, तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं उन वो स्पीशीज भी कैसी होगी, उनके अंदर भी कैसा होगा, फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा।
ये तो फोर्थ वाली है। फिफ्थ की हम बात करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए या मैं कह दूं उसके अंदर कैसा ग्रुप होना चाहिए, नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए। NO2 ग्रुप अगर है तो फर्स्ट अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। लास्ट वन जो कि रिएक्शन बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम क्वेश्चंस में आता है, वो होता है साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो ये हमारे पास छह चीजें हैं। अगर ये रिएक्शंस में है, ठीक है, या सबस्ट्रेट में है, तो जब अटैक होगा तो वो अटैक सबसे पहले किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का होगा। और हम सब रिएक्शन में देख रहे हैं, देखो C(CCC) है, बॉन्ड टूटेगा, दो सिंगल बॉन्ड लगेंगे, या मैं कह दूं दो सिग्मा बॉन्ड आएंगे। जैसे ही दो सिग्मा बॉन्ड आएंगे एडिशन होगा, ठीक है ना, तो पता चल रहा है ना एडिशन है। न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा तो किसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। सेम थिंग, बॉन्ड टूटा, दो सिंगल बॉन्ड आएंगे या सिग्मा बॉन्ड आएंगे, एडिशन होगा उसका उनके ऊपर। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। एसिड एसिड डेरिवेटिव में भी कार्बोनिल ग्रुप होता ही है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, वो टूटेगा, ठीक है, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और आकर के कौन जुड़ेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि एडिशन हुआ। सेम एन, अगर इसको मैं खोलूं तो ये इस तरीके से बनती है स्पीशीज, एन डबल बॉन्ड ओ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ के साथ, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सपैंड करा है, ये डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा तो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, दो सिग्मा बॉन्ड आएंगे और एडिशन होगा, ठीक है। साइक्लिक ईथर्स के अंदर भी सेम सिचुएशन है। तो ये हमारे पास छह सिचुएशंस हैं जिसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। अब हम हमारे नेक्स्ट हम ये देखना देखेंगे कि आखिर क्यों न्यूक्लियोफाइल ने इन रिएक्शंस में, अगर रिएक्शंस में ये है तो क्यों न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कर रहा है, कि क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल भी तो कर सकता था। तो हम वही सिचुएशन देखेंगे, हम रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे, एक बार हम न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराएंगे, एक बार हम इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराएंगे। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के बाद रिएक्शन जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन मैकेनिज्म वो स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कहलाएगी या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाएगी। अगर वो अनस्टेबल है तो मे बी पॉसिबिलिटी है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है। इन दो के अलावा हमारे पास तीसरी एक रिएक्शन और होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होती है, उसका भी एडिशन सब्स्टिट्यूशन ये चलता है, वो हमारे लास्ट के लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि क्यों न्यूक्लियोफाइल ने पहले अटैक करा। तो बच्चों अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल ने सबसे पहले अटैक करा। तो एग्जाम्पल के लिए हम इन जनरल हम एल्काइन का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, अगर मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराता हूँ, ठीक है, तो कैसी रिएक्शन होगी, हम सबसे पहले इसी क्या जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे कि आखिर क्या इंटरमीडिएट बनेगा, क्यों न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर रहा है, क्यों इसको हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा है। इसके ऊपर जाएंगे हम, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, एक यहां पर जो डबल बॉन्ड है या ये मैं कह दूं जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो इधर शिफ्ट होंगे इधर शिफ्ट होंगे, क्योंकि बराबर पावर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां शिफ्ट होंगे तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या बनेगा इससे, CH, एक बॉन्ड टूटा है, डबल बॉन्ड तो अभी भी है, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आया, पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर हुई। आने वाला रिएजेंट कौन है, ये तो हमारा सबस्ट्रेट था जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बनाया, आने वाला रिएजेंट कौन है, वाटर। वाटर को आपको पता है H और OH होता है, यहां पर भी क्या होगा, हमको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा तो ये बॉन्ड यहां चल जाएगा, या इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक एच प्लस बनाएगा और एक ओएच माइनस बनेगा। ये एच प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये ओएच माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये H प्लस क्या है, हो गया इलेक्ट्रोफाइल, हो गया वो कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, न्यूक्लियोफाइल हो गया।
अब अटैक इसका पहले होगा, इसका पहले होगा हम वही जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर करा था, एक बार अटैक हम एच प्लस का कराते और एक बार हम ओ एच माइनस का अटैक करवाएंगे, ठीक है। अगर एच प्लस आयन का अटैक कराऊंगा तो एच प्लस आयन इस पर अटैक करेगा तो क्या स्पीशीज बनेगी, सी एच प्लस डबल बोन सी एच, एच था एक एच, ये जाके जुड़ जाएगा तो सी एच टू हो गया, ठीक है। अब हम ओ एच माइनस का अटैक करवाते, ओ एच माइनस अटैक करेगा तो यहां करेगा और यहां करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, सी एच के साथ ओ एच जुड़ गया प्लस हट जाएगा डबल बॉन्ड सी एच माइनस। अब आप इन दोनों स्पीशीज में एक चीज देखना, ये जो बना ये हमारे पास क्या कहा जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज कहलाएगी, ठीक है। हमने इसको क्या नाम दिया, इंटरमीडिएट नाम दिया, ठीक है ना। ये स्लोएस्ट स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, यही डिसाइड करेगी कि रिएक्शन क्या है, ठीक है। अब आप देखो ये ज्यादा स्टेबल या ये ज्यादा स्टेबल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको पता है कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो हाईली अनस्टेबल है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर नेगेटिव ही चार्ज है तो बहुत स्टेबल स्पीशीज होती है, वो आगे रिएक्शन में प्रोसीड करती है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसा हो गया, अनस्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, अनस्टेबल हुआ। दूसरा इसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, स्टेबिलिटी की हमने दो चीजें देखी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर किसी भी एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो उसको अनस्टेबल शो कर रहा है, दूसरा अनस्टेबल क्यों है क्योंकि उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। ये देख सकते हैं ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। सेम थिंग मैं इसकी बात करूं, देखो सी एच डबल बॉन्ड सी एच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैसा हुआ, हाईली स्टेबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। दूसरी चीज ऑक्टेट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, दो 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 चार, दो एक बॉन्ड इसके बीच में बना हुआ था, छह इलेक्ट्रॉन ये और दो आठ, ठीक है, तो कैसा हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो पहला अटैक किसका पॉसिबल हुआ, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। डबल बॉन्ड टूटा, दो सिग्मा बने, ठीक है, यहाँ दो सिग्मा बने थे, पॉजिटिव नेगेटिव यहीं आके तो जुड़ा। अगला तो क्या हो गया, एडिशन, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले अटैक कर रहा है, उसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये वजह है कि क्यों इस रिएक्शन को, ये हमने एल्काइन के अंदर इसको क्या बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया, अब क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर देगा, सी एच डबल बॉन्ड, यहाँ तो ओएच था, ठीक है, सी एच ये बनता है, रिएक्शन आगे भी प्रोसीड करेगी, जरूर नहीं है रिएक्शन यहाँ रुक जाएगी, अभी तो फिर एक बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार फिर बॉन्ड टूटेगा, एक बार फिर ओएच यहाँ आएगा, एक बार फिर एच यहाँ आएगा, ठीक है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज कर ले कि सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वाटर था, ऑक्सीजन ओ एच जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है, इसने यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लिया, एक एच प्लस बना, ओ एच माइनस बना, एच प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। एक बार मैंने एच प्लस का अटैक करा, एक बार ओ एच माइनस का अटैक करा, एच प्लस का अटैक कराऊंगा तो देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल होगा और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं है तो रिएक्शन हो भी नहीं सकती। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर बात करी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो कैसा हो गया, हाईली स्टेबल होगा, ऑक्टेट कैसा, कंप्लीट, तो रिएक्शन यही प्रोसीड करेगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है।